गोरौल वैशाली से जाहिद वारसी के साथ राजू कुमार की रिपोर्ट। ईद पर्व को लेकर गोरौल थाना अध्यक्ष ने कराया शांति समिति की बैठक। वैशाली गोरौल ईद पर्व को लेकर गोरौल थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने अंचल अधिकारी ब्रजेश पाटिल के अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक कराई। ईद पर्व को लेकर श्री पाटिल ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद का पर्व शांति, भाईचारे और खुशियों का पर्व है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग शांतिपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा कर खुशियां मनाएं। वहीं थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक हो और आप सभी लोगों से अपील है कि ईद खुशियों का त्यौहार है, अमन और शांति के साथ ईद मनाएं और एक दूसरे से आपस में खुशियां बांटें। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमें सूचित करें, हम आपके साथ हैं। इस मौके पर उपस्थित भगवान सिंह, अशोक कुमार, इरशाद अहमद, अंसार अहमद, मोहम्मद बाबर, रामजी पासवान, उमाकांत पांडे व अन्य लोग उपस्थित नजर आए। सब कोई बैठा है, ठंडा में आए सब कोई लेगा ना। शांति समिति का बैठक हुआ है, इसमें क्या संदेश है, क्या निर्देश? निर्देश है कि सभी लोग आपसी भाईचारे के द्वारा ईद पर मनाएं, किसी भी आपस समाज में विद्वेष न फैलाएं। और कोई खास? कोई खास नहीं है, ऐसे ही ईद यहाँ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाता है। नमस्कार सर, चलिए धन्यवाद। सर आज शांति समिति का ईद के लेकर के शांति समिति का बैठक करे, इसके लिए कोई खास निर्देश, कोई संदेश? एकमात्र संदेश यही कि सभी लोग इस पर्व को मिलजुल कर शांति तरीके से मनाएं, प्रेम भाईचारा बना रहे। हमेशा से जैसा होता है यहाँ के लोग तो पर्व, हर पर्व को मनाते आए हैं शांति से, उसी के मौके पर हम लोगों ने बैठक रखी है। अगर कोई समस्या हो तो उसको सुनेंगे, उसका समाधान किया जाएगा और पर्व को शांति ढंग से अच्छे से मनाएंगे।